मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है किसान इस वक्त बहुत परेशान हैं। कई गेहूं गाड़ियां अभी भी विक्रय केंद्र पर खड़ी हुई है और जिन किसानों की गेहूं बिक चुके हैं उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा यहाँ दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, वहाँ अब धार्मिक स्थलों को खोला जाना चाहिए। भाजपा की क्या भगवान से आस्था उठ चुकी है या पूरे शहर में जिस तरह से चालानी कार्रवाई हो रही है इससे आम जनता परेशान हो रही है। इस तरह की चालानी कार्रवाई बंद होना चाहिए और कोई सुनने को तैयार नहीं। और ऐसा जगह जगह है बारदाने मिले नहीं, लंबी लाइनें लगी और किसान परेशान हुआ है। और जो गेहूं गीला हो गया, तूफान की सूचना थी पहले लेकिन तैयारी नहीं की और जो गेहूं गीला हुआ है उसकी एक तो उसमें बहुत सी जगह पेमेंट नहीं कर रहे हैं उसका, क्योंकि चुल गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। और दूसरा ये PDS जो गरीबों को बात कही जा रही कि फ्री राशन देंगे उसमें दिक्कत आएगी जब ये गेहूँ खराब हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये गेहूँ पैदा कैसे हुआ इतना, ये कमलनाथ जी की सरकार ने जो खाद दिया, जो पानी दिया, जो बीज दिया और किसानों का जो कर्जा माफ़ किया उसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी और उन्होंने उसका मैनेजमेंट किया, ये पूरी की पूरी श्रेय जाता है कमलनाथ जी को, उनकी सरकार को, सचिन यादव को, कि किसानों को जो कुछ भी चाहिए था उस बिजली दी सस्ती, बिजली जो 1400 था उसको आधा किया। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं इसकी, ये मैनेजमेंट की वजह से ये गेहूँ पैदा हो। ये श्रेय ना लें, श्रेय जाता है कमलनाथ जी को। और मैं कह चुका हूँ जब आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, माल खोल रहे हो, तो इसको खोलने में क्या दिक्कत आ रही है कि भगवान में विश्वास ही उड़ गया क्या इन लोगों का? भाई जब पारे सारे हिंदुस्तान में खुल रहा है तो भोपाल, इंदौर, इन जगहों क्यों नहीं, ये खुलना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ क्या स्कूटर पे कि दो लोग नहीं जा सकते, भाई ये सब जब सब चीज़ें खोल दी तो स्कूटर पे दो लोग जाना भी खोलो, गाड़ी में चार जाना भी खोलो और उसमें फाइन लेते हैं, परेशान करते हैं जगह जगह, ये सब बंद होना चाहिए। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उस पर नाश्ता और खाना समय पर नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, वो व्यवस्था ठीक की जाए। बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो मेरा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से कहना है कि होमगार्ड लोगों ने बहुत सेवा की इस कोरोना काल में और इस सेवा का उनको यह है कि उनको बहुत से लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, परेशान किया जा रहा है। लड़ाई लड़ी है इनने, कोरोना से युद्ध किया है, तो इनकी जितनी भी मांगे हैं उसको पूरी करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और एक सहृदय गृह मंत्री हो आप, लेकिन ये होमगार्ड लोगों का जिनका नाम ही है होमगार्ड, जो घरों को गार्ड करते हैं, रक्षा करते हैं, उनके जितने मुद्दे हैं उसको सुलझाना चाहिए।